हिंदुस्तान का फौजी हूं मैं। संदेश आते हैं। सो फाइनल गाइस, हो गई है एक बड़े सुपरस्टार की एंट्री। जगह तो बॉर्डर टू, आप लोगों को मालूम है कि 23 जनवरी 2026 को आने जा रही है। एंड गाइस, सनी देओल की बिगेस्ट वर्क मूवी ये मूवी होने वाली है। एंड गाइस, ऐसा बताया जा रहा है कि ये मूवी सबसे बड़ी हिंदुस्तान की फिल्म होने वाली है, एक्शन के मामले में, वार के मामले में। जी हाँ, तो इस मूवी का डायरेक्शन की बात करें तो बहुत ही खतरनाक लेवल का होगा। एंड गाइस, इस मूवी का बजट भी इस मूवी से बहुत ही ज़्यादा लाख गुना ज़्यादा होगा। VFX का काम होगा। एंड गाइस, आज बहुत ही तगड़ी न्यूज़ हमारे सामने निकल कर आया है कि इस मूवी में हमारे यंग सुपरस्टार यानी कि वरुण धवन की भी एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, तो वरुण धवन की भी एंट्री हो चुकी है बॉर्डर टू में, जो कि हमें देखने को मिलेंगे सनी देओल के साथ। जी हाँ, तो सनी देओल एक फौजी किरदार में नजर आएंगे। एंड गाइस, उनके साथ साथ हमें वरुण धवन की भी एंट्री होती हुई नजर आएगी। एंड गाइस, आज ऑफिशियल तौर पर अनाउंसमेंट भी हो चुकी है कि वरुण धवन इस मूवी में एक फौजी का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, तो अब सनी देओल अकेले नहीं, लेकिन गाइस गुंडों का सामना यानी कि पाकिस्तानियों का सामना यानी कि अपने दुश्मन का सामना, अपने देश के दुश्मन का सामना वो अकेले नहीं, साथ साथ में वरुण धवन भी करते हुए नजर आएंगे, जो कि 1.5 साल बाद। जी हाँ, तो जो कि 1.5 साल बाद 23 जनवरी 2026 को जब ये मूवी रिलीज होगी, तो वाकई में बहुत ही बड़े बड़े कारनामे तोड़ेगी, बहुत बड़े रिकॉर्ड बड़े बड़े तोड़ेगी। जी हाँ, तो आप कितने एक्साइटेड हो इस मूवी को लेकर? एंड गाइस, इस मूवी को के न्यूज़ को लेकर, क्या सनी देओल के साथ हमें वरुण धवन के भी दिखाई देना चाहिए या फिर नहीं दिखाना चाहिए? एंड गाइस, उनके करियर के भी बिगेस्ट मूवी होने जा रही है जिस मूवी का नाम है बॉर्डर टू। जी हाँ, तो आप कितने एक्साइटेड हो इस मूवी को लेकर? क्या ये मूवी 500 से 600 करोड़ टच करेगी, छुएगी या फिर नहीं छुएगी? कमेंट सेक्शन जुड़ता है दोस्तों। बस इंटरनेशनल में तब तक ले पापा, धन्यवाद। थैंक यू।